ईवीएम मशीन एक जो बैलेट यूनिट है वहां पर बढ़िया है
है कि नहीं भाई साहब? हेलो, बात करना है जो इधर से, ये माइक से बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है, वो पढ़े लिखे हैं, तो ईवीएम देख के बहुत सारा वीडियोस। तो 1977 में इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का और भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीईएल लेजिस्लेटिव असेंबली के केरला में यहाँ पे पहले बार 11 असल में तुम दबाओ वो अर्जेंटीना को ही वोट जाता है, कभी ब्राजील को वोट जाता ही नहीं। इसलिए मैंने तो दिया ब्राजील को वोट, लेकिन सिस्टम में आ गया अर्जेंटीना को। ये ऐसा वाला बहुत सारा कंप्लेंट आता है कि ईवीएम को हैक कर सकते हैं। कैसे कैसे हैक कर सकते हैं? ईवीएम एक छोटा सा मशीन है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कोड लगा दो, वो अपने आप दबाएंगे ब्राजील आएगा अर्जेंटीना, हमेशा ऐसा होता है। तो ये बहुत सारा डाउट है, क्या है डाउट? ऐसा सर एक है, ईवीएम को हम हैक कर सकता हूँ, ईवीएम के अंदर हैक कर सकता हूँ। बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस है, ईवीएम हैकिंग वीडियोस है, और उसके बाद क्या करते हैं, ईवीएम के अंदर जितना भी वोट डालो वो वोट का चेंज कर सकते हैं, नंबर का चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि ईवीएम में घर में लेके जाओ, कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कुछ लोगों का घर में ईवीएम मिला, होटल में ईवीएम मिला, जो भी होगा हैक होगा। या तो इसका है ना, ये मशीन का यूनिट का, और उसके बाद ये रास्ते में आपने मिशन इम्पॉसिबल देखा होगा, एक रूम है आपका कॉलेज में भी स्टोर करते हैं, स्टोर के अंदर घुसा दो और उसके अंदर ईवीएम को ले लो, उसके अंदर रिटर्न करने का चांसेस है। अभी कहां कैसे करते हैं? नेक्स्ट पहला वाला पॉइंट जो बोला था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, या तो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मेटल स्कैनिंग, ये स्कैनिंग, वो स्कैनिंग, उसके बाद ही इसके अंदर घुसकर आपको कुछ चेंज करना है। इसके बाद अगर मशीन में अगर कुछ होगा, मशीन में कुछ वहां से लेकर हमारे पास आएगा इलेक्शन के टाइम, असेंबली इलेक्शन, अभी हमारा असेंबली इलेक्शन होने वाला है, तो वहां पे चले जाएगा। अभी वहां पे क्या क्या प्रोसेस है इसको, अगर ये टेक्निकली सिस्टम बढ़िया है, टेक्निकली आपने जो बोला है इसमें ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता सब कुछ ठीक है, लेकिन रास्ते में कुछ कर सकते हैं, अंदर जाके कुछ करते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी को दिखाया कि ये मशीन ठीक चल रहा है, वो मॉक पोल रिजल्ट को बांध कर क्लियर करने के बाद सारा पार्टी ठीक है। अगर क्वेश्चन का पासे रूम का दे एकटा वोटे वोट দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তোমরা সবাই ভোট দিয়ে যাবে।